गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। आज का एक हमारा नया टॉपिक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, बेसिकली ये टॉपिक आप अब तक नहीं पढ़ चुके हो। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो उसके लिए थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझेंगे उसको। कि फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक मेजरिंग, मतलब कोई भी स्केल है। ओके, और मैंने यहाँ पे एक पेन रखा है। ओके, अगर पेन की लेंथ मेज़र करनी है तो वो मेजरिंग स्केल में यहाँ पे कि 15.3 एंड 15.4 ये दोनों के बीच में उसकी वैल्यू आ रही है, तो फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 15.3 है वो सर्टन वैल्यू है, सर्टन के इतनी तो है ही लेंथ। एंड 15.4 वो क्या हो जाएगा, उसको हम सर्टन वैल्यू नहीं बोल सकते क्योंकि उससे तो कम है। इसका मतलब 15.3 इतनी वैल्यू तो है ही सर्टन। तो हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि 15.33 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, 15.33 सेंटीमीटर। तो अगर बात किए जाए ये डिजिट की, तो 15.33 उसमें से 15.3 दे आर सर्टन डिजिट। ओके, वो क्या हो जाएंगे, सर्टन डिजिट्स हो जाएंगे, बराबर। और जो ये लास्ट का 3 है वो हमने एज्यूम किया है वो अनसर्टेन हो जाएगा, बट मीनिंगफुल तो है 3, मतलब वो मीनिंग तो बताता है वैल्यू का, बराबर। तो वो मीनिंगफुल डिजिट हो जाएगा बट क्या होगा, अनसर्टन। ओके, तो 15.33 उसमें 15 एंड 3 ये कितने हो जाएंगे, सर्टन डिजिट हो जाएंगे, एंड लास्ट का जो 3 है वो अनसर्टन डिजिट हो जाएगा। ओके, डेफिनेशन क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर मीनिंगफुल डिजिट्स, मीनिंगफुल डिजिट विच आर नोन विथ सर्टनिटी, विच आर नोन विथ सर्टनिटी। द अनसर्टनिटी इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग द सर्टन डिजिट्स एंड द लास्ट अनसर्टन डिजिट। ओके, तो 3 मीनिंगफुल डिजिट तो है, ये 15 वो भी मीनिंगफुल डिजिट है। तो अगर सिग्निफिकेंट फिगर लिखना है इसके लिए, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, 5, 3, 3 सारे क्या है, मीनिंगफुल डिजिट है। तो टोटल नंबर ऑफ फिगर्स क्या हो जाएंगी, 4, एक 1 होगी, देन 5, देन 3 एंड अगेन 3। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गई, 4 हो गई, बराबर। तो डेफिनेशन समझा, एग्जांपल समझा आपको, बराबर। आपको क्या करना है कि ये 2 to 3 टाइम्स यही पार्ट देखना, तो आपको एक्चुअल समझ में आएगा कि सर्टन डिजिट ये अनसर्टन है बट क्या है, मीनिंगफुल। हमें क्या देखना है, मीनिंगफुल डिजिट देखना है, बराबर। तो फिर ये हो जाएगा डेफिनेशन एंड एग्जांपल सिग्निफिकेंट फिगर्स का। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द सिग्निफिकेंट फिगर, रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स। बहुत ही सिंपल रूल है, टोटल 4 रूल्स हैं। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, ऑल नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं है उतने सारे डिजिट क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो फिर यहाँ पे 4.321, तो ये 4, 3, 2, 1 सारे क्या है, नॉन जीरो है, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो जाएगी, 4। चलो नेक्स्ट, जीरोस प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स, जीरोस प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। दैट मीन्स अगर डेसिमल पॉइंट आपको दिया है और उसको आगे चलते जब भी कोई एक नॉन जीरो डिजिट आता है, नॉन जीरो डिजिट, ओके,
तो वो सारे क्या हो जाएंगे आपके सिग्निफिकेंट। तो आगे के तीन ये सिग्निफिकेंट हो गए नहीं, याद रखना। जीरोस प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, तो ये दोनों आपके सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा, टू। ओके, अगर हम लोग एक नया एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे आपको ऐसा लिखा है 0.00123। ओके, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा, प्रीसीडिंग जीरो पे यहाँ पे नॉन जीरो आ रहा है, तो ये तीन सिग्निफिकेंट फिगर होंगे नहीं, इसका आंसर क्या होगा, थ्री होगा। बराबर, तो रूल्स आपको याद रखने हैं, रूल्स तैयार करने हैं। बेसिकली रूल्स के हिसाब से आप इजीली सिग्निफिकेंट फिगर्स की कैलकुलेशन कर सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड रूल कि जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो, एक्चुअली तो हम जीरो को नहीं गिनते थे, बट अगर वो जीरो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएंगे, मीनिंगफुल डिजिट हो जाएंगे, मीनिंगफुल डिजिट, तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, फोर, वन टू थ्री फोर। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं, जीरोस एट द एंड और राइट ऑफ द नंबर आर सिग्निफिकेंट। ओके, डेसिमल पॉइंट है, जीरो को हम नहीं गिनते हैं, बट डेसिमल पॉइंट के बाद क्या होना चाहिए, आपका कोई एक नॉन जीरो डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट, और उसके बाद अगर जीरो दिया है तो वो सिग्निफिकेंट हो गया। राइट हैंड साइड वाला, लेफ्ट हैंड साइड वाला नहीं होता था। थर्ड सेकंड रूल ये था कि डेसिमल पॉइंट और उसके बाद फर्स्ट जो नॉन जीरो डिजिट आता है उसके लेफ्ट हैंड साइड वाले सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे, बट राइट हैंड साइड वाले सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, इसका थ्री आंसर आएगा। फॉर एग्जांपल आपको दिया है 0.00120, तो डेसिमल पॉइंट है, उसके राइट हैंड साइड ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आता है, तो ये तीन आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे नहीं, अकॉर्डिंग टू सेकंड रूल। बट ये उसके बाद जो जीरो राइट हैंड साइड आता है तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में लेंगे। तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा, वन टू एंड थ्री, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे थ्री। ओके, चलो इफ देर इज नो डेसिमल पॉइंट द टर्मिनल जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर डेसिमल पॉइंट आपको दिया ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल नंबर 100 सिर्फ ऐसे ही लिखा है, डेसिमल पॉइंट नहीं दिया है, ओके, तो जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आएगा, ये दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे नहीं। और अगर इफ डेसिमल पॉइंट इज देयर, डेसिमल पॉइंट आपको दिया है, ओके, तो फिर ये तीनों सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे यहाँ पे, और डेसिमल पॉइंट के बाद जीरो, तो ये भी एक मीनिंगफुल नंबर हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा फोर, वन टू थ्री एंड फोर, यहाँ पे वन टू एंड थ्री। ओके, तो बेसिकली अगर रूल्स आपको आते हैं तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि द नंबर इज सिग्निफिकेंट और नॉट। ओके, तो वीडियो कम से कम 2 to 3 times आपको देखना है। ये वीडियो देखने के बाद ये रूल्स जो है वो आपको अच्छी तरीके से तैयार हो जाने चाहिए, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं होमवर्क में मैं आपको इसके एग्जांपल्स करवाऊंगा और आपको करने के लिए भी दूंगा, तो ये चीज़ें हो जानी चाहिए। ओके, थैंक यू।